फंक्शन होता क्या है? सो फंक्शन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हम बनाते क्यों हैं? टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। क्यों बनाते हैं फंक्शन को? टू डू अ किसी स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, फंक्शन बनाने से फायदा क्या होता है? वी कैन रीयूज द फंक्शन फंक्शन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स और टाइम्स, ठीक है। फंक्शन को क्या कर सकते हैं? बहुत बार आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही तरह का काम अगर आपको बार बार करना है तो एक ही तो तरह का रिपीट कोड नहीं आपको करना है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कहीं पर उसको फंक्शन बना के लिख दिए हैं, अब जहां पे भी वैसा ही कोई भी काम करना है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। इतना आप लोगों को क्योंकि पता है, इसलिए हम फास्ट जा रहे हैं, अदरवाइज इसमें हम टाइम लगाते हैं, राइट। तो यू कैन रीयूज अ फंक्शन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब फंक्शन जब बनाते हैं, तो अभी तक आप लोग बहुत सारा फंक्शन यूज किए हैं ना, बहुत सारा फंक्शन यूज किए हैं, strlen और क्या क्या, बहुत सारा फंक्शन यूज किए हैं, राइट। यस सर। तो जब आप फंक्शन बनाते हैं तो होता क्या है? तो फंक्शन बनाने समय आपको जो मस्ट देना होता है वो होता है रिटर्न डेटा टाइप। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। दूसरा, फंक्शन से जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं, फंक्शन से जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो काम करने के लिए देखिए कोई भी ना कोई इनपुट चाहिए होता है। हाँ काम कोई भी करना है तो इनपुट चाहिए होगा। भैया, तो फंक्शन में अगर आपको इनपुट देना है तो कैसे इनपुट देते हैं? बाय यूजिंग पैरामीटर्स। कैसे इनपुट देते हैं? फंक्शन को इनपुट कैसे देते हैं, बाय यूजिंग पैरामीटर। है ना। फंक्शन को इनपुट देने का मतलब समझे कि फंक्शन यस जो सर, काम करेगा वो कौन से वैल्यू पे करेगा, तो हम वो वैल्यू जो है कैसे पास करते हैं, पैरामीटर पैरामीटर। पास करके, ठीक है। प्रोवाइड इनपुट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनपुट टू फंक्शन बाय पासिंग पैरामीटर, ठीक है। एंड फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू बाय यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। फंक्शन कैसे कीवर्ड, कौन से कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न करने के लिए? रिटर्न कीवर्ड, तो हम लोग देख लेंगे वो। तो बेसिकली फंक्शन के बारे में क्या हो गया, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच वी राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। वी कैन रीयूज अ फंक्शन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, इट रिटर्न्स अ वैल्यू, एंड इफ यू वांटेड टू प्रोवाइड एनी इनपुट टू अ फंक्शन देन वी कैन प्रोवाइड द इनपुट बाय पासिंग द पैरामीटर्स। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, तो फंक्शन जब भी बनाना होता है तो सबसे पहले देते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद एक स्पेस। पहले क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप, फिर क्या देते हैं? एक स्पेस, ठीक है। उसके बाद देते हैं फंक्शन का नेम, नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन नेम, नेम ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स जो है ये ऑप्शनल है। पैरामीटर्स क्या है? ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब किसी में आपको चाहिए तो दीजिए और नहीं चाहिए तो मत दीजिए, लेकिन है। रिटर्न टाइप जो है वो मस्ट है। रिटर्न टाइप आपको मैंडेटरी ही आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न टाइप मस्ट है और पैरामीटर जो है ऑप्शनल है, ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही पैरामीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही पैरामीटर होगा ऐसा नहीं है, आप एक या एक से ज्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो जैसे मतलब एक या एक से ज्यादा पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? इनपुट टू द फंक्शन, राइट। जैसे आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करा के 5 का टोटल लेना है, और अगर आपको टोटल करने का फंक्शन करना है तो आपको वहां पे कितना इनपुट देना पड़ेगा? 5 सर। पांच देना पड़ेगा, राइट। अगर आपको किसी, आपको एक फंक्शन बनाना है
और उस फंक्शन से आपको करना ये है कि एक कोई भी आप वर्ड लीजिए, उसका वो आपको नाम लीजिए, उसका आपको लेफ्ट नेम निकाल के देगा। एक नाम लीजिए और उसका वो लेफ्ट नेम आपको निकाल देगा। इसमें आपको कितना पैरामीटर चाहिए होगा? एक एक पैरामीटर चाहिए होगा, और उसका टाइप क्या होना चाहिए? स्क्रीन होगा स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट? बात समझ में आ गया? यस सर। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे हो गया, जब पैरामीटर पास करना होता है तो पैरामीटर के पास भी पहले लिखते हैं डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, ये मस्ट है। जब अगर पैरामीटर लिख रहे हैं तो आपको डेटा टाइप देना होगा पहले, फिर नेम ऑफ, नेम नेम ऑफ पैरा, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा करना है, दूसरा पैरामीटर, तो दूसरा दे दीजिए। तो जितना भी पैरामीटर पास करना है आप कर सकते हैं, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैरामीटर जब भी पास बिना करना होगा तो कैसे पास करेंगे? सबसे पहले उसका लिखेंगे डेटा टाइप, जो कि हम लोग का नॉर्मल तरीका है, बिना राइट, है ना? यस और उसके बाद नेम ऑफ पैरामीटर। ठीक है, फिर उसी तरह से आगे और भी जितना आपको डॉट 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 कर लीजिए, जितना भी चाहिए होगा उतना पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो आप इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा कहीं ना कहीं पे। जैसे आप लेट्स से बनाते हैं सम फंक्शन, क्या बनाते हैं? सर सम फंक्शन, जो कि आपको क्या देगा? टोटल देगा। तो टोटल देगा, लेट्स से आपका INT टाइप है, तो INT को आप जोड़ रहे हैं, तो इसका रिटर्न के टाइप क्या होगा? यस INT। सम फंक्शन का नाम लेते कर दिए सम, और आपको 3 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, तो आपका INT मार्क्स 1, INT मार्क्स 2, INT मार्क्स 3, इन 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट ठीक कर दिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे कि भाई लिख दो INT सम इक्वल टू 0, और फिर लिखेगा सम इक्वल टू क्या, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स टू मार्क्स 2 प्लस प्लस मार्क्स टू मार्क्स 3, और बाद में लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में रिटर्न किसको? सम सम। ठीक है, अब इस फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल कीजिएगा, कहीं ना कहीं कॉल करेंगे ना, हाँ सर तो ये हाँ वॉइड मेन के अंदर में। है ना, अब आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का मार्क्स होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास है M1 INT M1 इक्वल टू 10, INT M2 इक्वल टू है 20, और INT M3 है 50। अब हमको इसका टोटल अगर चाहिए, और एक टोटल चाहिए होगा INT टोटल इक्वल टू अभी है 0। अब हमको क्या चाहिए, इस तीनों का टोटल चाहिए, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे भाई साहब उस फंक्शन को कॉल कर लो। कौन सा फंक्शन को? सम फंक्शन को। फिर से ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये तो अभी मान लेते हैं 2 लाइन का है, कभी हो सकता है 10 लाइन का भी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई 20 लाइन का भी हो सकता है, हो सकता है सर ना? तो जितने भी लाइन का हो उससे मतलब नहीं है, है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई टोटल टोटल इक्वल टू सम, और यहाँ पे पास क्या कर देंगे, क्या M1 M2 M3। तो दिक्कत, तो देखिए ओके हम लोगों को थोड़ा इसका रिलेशन समझना है, ठीक है, हम लोगों को इसका थोड़ा सा रिलेशन समझना। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे ये लोग दूसरे से, यहाँ पे से जो आप M1 जो डाल रहे हैं ये कॉपी होके चला जाता है। पे क्या होने वाला है, ये देखिए, ये जो आपका सम फंक्शन है, तो ये जब आप सम फंक्शन बनाते हैं तो सी का जो कंपाइलर है कहीं ना कहीं पे नोट करके रख लेता है कि एक फंक्शन बना के रखा गया है, उस फंक्शन का नाम रखा गया है सम। ठीक है, एक फंक्शन बना के रखा गया है, उस फंक्शन का नाम रखा गया है
सम, ठीक है। और यहां से जो पैरामीटर, जैसे ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला जो वैल्यू जाएगा वो हमेशा और हमेशा पहले में जाएगा, जो दूसरा जाएगा वो हमेशा दूसरे में जाएगा, और जो तीसरा जाएगा वो हमेशा तीसरे में तीसरे जाएगा। में जाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो पैरामीटर जो पास कर रहे हैं सबका डेटा टाइप एक हो, सब अलग अलग डेटा टाइप का हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज, ये जो वैल्यू है ये M1, ये अलग वेरिएबल है। M1 जो है एक अलग वेरिएबल है, अलग तो वेरिएबल ये जब है। यहाँ पे मार्क्स वन में जाता है तो मार्क्स वन एक नया वेरिएबल है। ये जो वैल्यू है मार्क्स वन नया वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। ये वैल्यू मार्क्स वन का वैल्यू कहाँ हो जाता है कॉपी? M1 का कॉपी वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगा? मार्क्स मार्क्स वन वन में। में। तो ये हमेशा जो है कॉपी होता है वैल्यू, बात समझे। इसके अंदर में जाके अगर आप इसका मार्क्स वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री को चेंज भी कीजिएगा तो M1 M2 M3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सर अलग है और ये अलग अलग है। बात सर समझ में आ गया आप लोगों को? यस हाँ, सर ये अलग सर एग्जिस्ट कुछ करता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर अगर जैसे वॉइड मैन में वहाँ INT मतलब मैंने उसको लिया वेरिएबल ऊपर में सर मार्क्स वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री में, और इधर जो फंक्शन बना रहे हैं अगर वो फ्लोट लेंगे तो काम करेगा। हाँ देखिए, वही चीज है कि अभी जैसे होता क्या है कि INT का रेंज क्या है, कम है, राइट। हाँ ज्यादा अब फ्लोट का रेंज उसे ज्यादा है तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन फ्लोट वाले को अगर INT में कीजिएगा कि रिटर्न कर रहा है फ्लोट और उसको आप लीजिएगा INT में, तब वो एरर देगा। बोलेगा भाई, क्योंकि फ्लोट का तो रेंज ज्यादा है ना, हाँ, अगर वैसा तो बोलेगा कि ये जो है मुश्किल है करना। करना हो तो रेंज देखना पड़ेगा पहले ना सर। हाँ रेंज, और आपको जो है खुद से वहां पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा कि इसको आप INT में कन्वर्ट करो। जैसे अभी हम लोग पिछले ओके प्रोग्राम में जो खुशबू का प्रोग्राम था उसमें किए, राइट, फ्लोट में कन्वर्ट किए थे INT को। हाँ सर डेटा टाइप का नाम जो है शुरू में लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, तो वो हो गया टाइप कास्टिंग, ठीक है। यस कोई दिक्कत? तो ये है नो आपका मेनली फंक्शन। तो हम लोग अभी कुछ फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद जो आप जो एरे वाला प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अगर आपको प्रोग्राम को छोटा छोटा रखना है, और ये जो फंक्शन का एक और भी फायदा क्या है, इससे आपका प्रोग्राम जो है क्या हो जाएगा, छोटे छोटे सेक्शन में बांट सकते हैं। प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं आप? छोटे छोटे सेक्शन में बात कर यू कैन डिवाइड एंड सकते डिवाइड। हैं हेलो, सकते योर प्रोग्राम इन मल्टीपल सेक्शन, सेक्शन ओके, मल्टीपल सेक्शंस, मल्टी, और छोटे छोटे पार्ट में करने से क्या होता है फायदा, आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा लिखना और समझना आसान हो आसान हो जाता है, जाते हैं, राइट। लिखना और समझना दोनों क्या है, आसान आसान हो होता है। जाते तो हैं। उसका रीयूजेबिलिटी के अलावा एक और भी जो चीज है जो इसका फायदा है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर, मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए, ठीक है। या इसको हम लोग सब रूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक सब रूटीन है, तो मतलब छोटा सा पार्ट, पूरा प्रोग्राम नहीं है फंक्शन, वो क्या है, छोटा सा पार्ट है। कोई दिक्कत किन्हीं को ये सब समझने में? नो सर नो नहीं, तो सर यहां लिख देते हैं एस। और हम कहीं से कॉपी कर लेते तो अच्छा था। ठीक है, अभी एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, जब आप फंक्शन बनाते हैं तो जहां पर भी आप फंक्शन को यूज करने वाले हैं, उस फंक्शन को, उस फंक्शन का डेफिनेशन उस जगह से पहले होना चाहिए, ठीक है। वो अभी आपको हम करके दिखाते हैं। तो लेट्स से हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे INT सम, इसका काम है 2 नंबर को सम करना, तो INT num1 INT num2, ठीक है। और इसका काम है INT result इक्वल टू 0 रिटर्न, और लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2,
और रिटर्न क्या रिजल्ट, ठीक है। अब हम लिखते हैं void int int, आप इनपुट करवा सकते हैं चाहे तो आप करवा सकते हैं, चाहे तो आप रैंडम ले सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रोग्राम रन कीजिएगा अपने आप ही नंबर लेगा और उसको सम करके देता रहेगा। हम यहाँ पे int a इक्वल टू 10 ले लिए, int b इक्वल टू 20 ले लिए, और int टोटल 0 है, और हम बोल रहे हैं टोटल इक्वल टू जो मेरा फंक्शन है सम ऑफ ए कॉमा बी। फिर बोलेंगे प्रिंट टोटल परसेंटेज बी, और क्या है प्रिंटर, ठीक है। इसको अभी हम लोग रन करते हैं, देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो सम इज 30 आ गया, जो भी आपका प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो सम इज 30, राइट, ये लिखे हैं तो ये काम हो गया। अभी अगर हम इस सम फंक्शन को बनाए तो हैं, सम कंट्रोल एक्स कर दिए और इसके जा इसको इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सम फंक्शन बनाए तो हैं लेकिन इसको हम इसके नीचे लिखे हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको रन करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, एरर आ गया, एरर आ गया है। यस रन नहीं करते, बोल ये क्या बोल रहा है, सम आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, बोल रहा है सम फंक्शन हमको नहीं मिला, जबकि सम फंक्शन बना हुआ है, लेकिन वो कब बना है, कॉल करने वाला जो लाइन है उसके बाद। बात समझ में आ गया, तो फंक्शन जहां पे आप फंक्शन यूज जब कर रहे भी हैं बनेगा उससे पहले कहीं ना कहीं वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद में नहीं, उसके बाद में होगा तो वो काम नहीं नहीं करेगा। होगा। बात समझ में आ गया है, यस सर, टोटल फिर के बाद करेंगे तो काम कर से लेगा। आईएनटी बोलिए। टोटल है ना, उसके बाद अगर डिफाइन करेंगे तो काम करेगा। फंक्शन को किसी फंक्शन के नीचे नहीं लिखते हैं, ये ओ हाँ, फंक्शन अलग है, ये मेन फंक्शन अलग है, और ये फंक्शन अलग अलग है, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन नहीं लिखते हैं, तो मेन भी एक फंक्शन है, राइट, है। हाँ है ना, मेन भी एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, और अगर आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो डेटा टाइप क्या रखते हैं, वॉइड, ये आप लोग सी वगैरह में भी देख रहे हैं, राइट। अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए तो क्या रखते हैं उसका डेटा टाइप, वाइट वॉइड वाइट रिटर्न टाइप रखते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऑल गुड। तो सर, यस सर, ये सीक्वेंस समझ में आ गया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग फंक्शन बना के और आप लोग परेशान होते रहिएगा, ये सी में थोड़ा सा रूल अलग है, इसलिए हम आपको स्पेशली बताए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, और अब आप